चुनाव प्रचार का सिलसिला थमते ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उन युवाओं की याद आ गई जो सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द की मांग को लेकर लगातार 3 दिन से पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। एक दिन ऐसा आया है कि किरोड़ीलाल मीणा फ्री रहे जगमोहन मीणा के प्रचार से, हालांकि डोर टू डोर शायद वो कैंपियन करते अपने भाई के लिए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जयपुर में पहुंचते हैं, उन युवाओं से बातचीत करते हैं जो लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। और समझाइश के बाद किरोड़ी मीणा जो हैं बातचीत करते हैं, उसके बाद पानी की टंकी पर खुद जो हैं वो चढ़ते हैं और समझौता होता है कि जल्द जो है उनको आश्वासन दिया गया कि मैं बातचीत करूंगा 14 को सीएम से चुनाव के बाद और इस पर एक्शन लिया जाएगा और मुझे भरोसा है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो रद्द होगी, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा ने कहा। उसके बाद क्रेन से जो है नीचे लाते हैं, प्रेस वार्ता किरोड़ीलाल मीणा करते हैं। जब सवाल पूछा जाता है कि जब सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो उसके बाद आखिर देर किस बात की है, एसओजी जो है उसकी तरफ से लगातार जो है इसमें एक के बाद एक प्रशिक्षु जो थानेदार हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, जो उपनिरीक्षक हैं उनको, और 40 से ज़्यादा का ये आंकड़ा हो चुका। कई जो इस भर्ती के अंदर आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे एसओजी कर चुकी है, उसके बाद भी सरकार आखिर इस भर्ती पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। वहीं युवाओं की ये भी मांग है कि इस भर्ती के अंदर जिन लोगों ने धांधली की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भर्ती रद्द कर नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ जो है वो न्याय करना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जिस समय सब कमेटी जो है बनाई गई थी उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो विदेशी दौरे पर थे और उसके बाद यहाँ पर आए तो चुनाव का समय आ गया और चुनाव के समय के बाद अब चुनाव खत्म होंगे 13 को तो मैं 14 को मिलूंगा, यानी चुनाव के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा आसमान की टंकी पर दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के अंदर देखा होगा आपने कि सबसे ज़्यादा चर्चा किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, इन 4-5 से जो नेता हैं इन लोगों की चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। लेकिन किरोड़ी मीणा के लिए कहना पड़ेगा कि किरोड़ी मीणा विपक्ष में रहते हैं जब भी। देखिए अब इसको भाई के प्रचार से जोड़ के देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब विपक्ष में थे तब भी किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो कहीं पर भी किसी के साथ भी लग जाते थे और हर की जो भी समस्या होती थी उसके लिए खुद जो है संघर्ष करते हुए नजर आते थे, पुलिस से भिड़ जाते थे और उन युवाओं को पानी की टंकी से नीचे उतारा। अब जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 14 को मिलेंगे और उसके बाद भर्ती रद्द होगी, उन्हें ऐसा भरोसा है, होती है कि नहीं होती है ये बात अलग है। उसके बाद सीधे जो डिम्पल मीणा का प्रकरण है वहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा पहुँचते हैं, ये चुनाव से एक दिन पहले का समय है, प्रचार प्रसार करते नहीं हैं तो ये समय मिला है उन्हें करने का तो वो कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती एसओजी कह चुकी, सब कमेटी जो है वो रिपोर्ट सौंप चुकी, बार बार युवा इसके लिए जो है प्रोटेस्ट करते हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, धांधली हुई है और बड़े स्तर पर धांधली हुई है, 500 से ज़्यादा प्रशिक्षु थानेदार जो हैं वो कहा जा रहा है कि ये जो उपनिरीक्षक बने हैं ये फर्जीवाड़े से बने, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा ने पहले दावा किया था। देखना ये होगा कि क्या भजनलाल सरकार को अब चुनाव के बाद युवाओं की भी याद आएगी क्या, और नई भर्तियों का लेकर जिस तरीके से चुनाव में बहुत सारी बातें एक दूसरे नेताओं ने एक दूसरे पर थोपी और कहा गया कि 2 करोड़ रोजगारों का वादा तो नरेंद्र मोदी ने भी किया था, 10 वर्ष होगी 20 करोड़ का हिसाब, लेकिन प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी बड़ी भर्तियां निकालने की घोषणाएं की हैं, 1 वर्ष लगभग समय सरकार को पूरा हो चुका है। देखना ये भी होगा कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर क्या एक्शन लिया जाता है और नई भर्तियों को लेकर सरकार अब चुनाव के बाद क्या एक्शन लेती है। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।